नमस्कार, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे संबंध सूचक अव्यय और संबंध सूचक अव्यय के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखिए, संबंध सूचक अव्यय को ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास मंदिर है, राकेश के दफ्तर के सामने डाकघर है, डब्बे के अंदर पैसे है, गाड़ी दिल्ली की ओर जा रही थी, छत पर कौवा बैठा था। यहाँ पर पहले वाक्य में घर यह शब्द संज्ञा है और मंदिर होना यह शब्द क्रिया है। घर इस संज्ञा में और मंदिर होना इस क्रिया में पास यह शब्द संबंध दर्शाता है, इसीलिए पास यह शब्द संबंध सूचक अव्यय है। अगले वाक्यों में सामने, अंदर और पर यह शब्द संज्ञा और क्रिया में संबंध दर्शाते हैं, इसीलिए वे शब्द संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय के भेद। संबंध सूचक अव्यय का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रयोग के अनुसार, दूसरा, अर्थ के अनुसार और तीसरा, रूप के अनुसार। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के तीन भेद है, सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय, निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय और उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय। अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के 16 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, कारणवाचक, समतावाचक, तुलनावाचक, संग्रहवाचक, पृथकतावाचक, विरोधवाचक, हेतुवाचक, सीमावाचक, सहचरवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक। रूप के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के 2 भेद है, मूल संबंध सूचक अव्यय और यौगिक संबंध सूचक अव्यय। अब हम प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के भेद देखेंगे। संबंध सूचक अव्यय का पहला भेद है सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग कारक विभक्तियों के साथ होता है, उन्हें सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, उन्हें सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय को ही विभक्ति सहित संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, पास, लिए, आगे, पीछे, समीप, दूर, पहले। वाक्य देखिए, मेरे घर के पास मंदिर है, नगर से दूर हम जा रहे हैं, स्कूल के पीछे बरगद का पेड़ है। इन वाक्यों में पास, दूर, पीछे यह सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय का दूसरा भेद है निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग बिना कारक विभक्तियों के होता है, उन्हें निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आते हैं, उन्हें निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय को ही विभक्ति रहित संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे रहित, सहित, तक, भर, समेत, पर्यंत। वाक्य देखिए, मैं वहां कई महीनों तक रहा,
आज का समारोह नियोजन रहित था। वह रात भर घूमता रहा। इन वाक्यों में तक, रहित, भर यह निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय का तीसरा भेद है उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय। जिस अव्यय का प्रयोग सविभक्तिक और निर्विभक्तिक दोनों प्रकार से होता है उसे उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिन शब्दों का प्रयोग विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार से होता है उन्हें उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय को ही उभय विधि संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे द्वारा, बिना, रहित, अनुसार। यह खिलौने पिताजी के द्वारा खरीदे गए। दूसरा वाक्य, यह खिलौने पिताजी द्वारा खरीदे गए। यहाँ पर पहला वाक्य यह सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय का है और दूसरा वाक्य यह निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय का है। इसका अर्थ द्वारा इस संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है, इसीलिए द्वारा यह उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय है। दादाजी चश्मे के बिना बाहर गए। दादाजी चश्मे बिना बाहर गए। यहाँ पर पहला वाक्य यह सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय का है और दूसरा वाक्य निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय का है। इसका अर्थ बिना यह उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग दोनों प्रकार से होता है। उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय समझने के लिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। इसमें उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय, सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय और निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है द्वारा। द्वारा यह उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय है। इसका सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय कैसा होगा? पत्र के द्वारा। और निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय कैसा होगा? पत्र द्वारा। अगला उदाहरण देखिए, रहित। गुण के रहित, गुण रहित। बिना, धन के बिना, धन बिना। अनुसार, रीति के अनुसार, रीति अनुसार। यहां पर द्वारा, रहित, बिना, अनुसार इन अव्यय का प्रयोग विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार से होता है, इसीलिए यह अव्यय उभय विभक्ति या उभय विधि संबंध सूचक अव्यय है। अगले वीडियो में हम अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के भेद देखेंगे। धन्यवाद।